नमस्कार दर्शकों आपका एक बार फिर से स्वागत है चुनावी बेला में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 में जहां से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर सुशील कुमार ने अपना नामांकन भरा है और वो इस वार्ड से इस बार अपना भाग्य भी आजमा रहे हैं आज वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब एस स्टूडियो में आपका स्वागत है धन्यवाद नमस्कार डॉक्टर साहब सब सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि आप पेशे से डॉक्टर हैं क्या कारण रहा कि आप को इस बार जो है वो इन नगर परिषद के चुनावों में अपना आना पड़ा है मैं पेशे से एक चिकित्सक हूं और एक चिकित्सक रहते हुए मेरा जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो पहले से मैं निभा रहा हूं पर मेरा विचार है कि मैं पार्षद के रूप में और अच्छी तरह से जो समाज की सेवा है वो कर सकता हूँ डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बात करें क्योंकि आप वार्ड नंबर 10 से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा कि आप वार्ड नंबर 10 के लिए आ, क्या विज़न रखते हैं क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी वहाँ के लिए मेरा एक ही विज़न है कि वार्ड नंबर 10 को एक आदर्श वार्ड के रूप में सबके सामने पेश कर सकूँ डॉक्टर साहब जैसे कहा आपने आदर्श वार्ड आदर्श वार्ड में कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएँ होती हैं आ, क्या क्या उनकी ओर आपका ध्यान रहेगा किस तरीके से आप वो कर पाएंगे मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो जैसे अगर नालियाँ बिल्कुल अच्छे से साफ़ हों पक्के रास्ते हों स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर जगह पे लगी हों तो वार्ड अपने आप ही एक आदर्श वार्ड के रूप में निखर कर सामने आता है डॉक्टर साहब बात करें अन्य चीज़ों की तो जैसे आपने नालियों की तो बात कर ली क्योंकि हर वार्ड में हमने देखा है कि जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं लोगों के पास भी जा रहे हैं तो क्या क्या समस्याएँ से आपको रूबरू हो रहे हैं क्या लोगों को जो है वो आपको जो समस्याएँ बता रहे हैं हमें कुछ मूलभूत सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हुई मैंने एक बात नोट की कि जहाँ जाते थे कई जगह नालियाँ खुली हुई हैं तो हमारी जो अगले पाँच साल में जो पहला साल होगा उसमें कोशिश करेंगे जो जो सौ प्रतिशत नालियाँ जो हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए तो गंदगी की समस्या काफ़ी हद तो तक सुधर जाएगी दूसरा अगर हम सारे पानी को सीवरेज सीवेज में डाइवर्ट करें और जो ओपन नालियाँ उनको बंद कर दें तो काफ़ी सफाई में हेल्प मिलेगी और कुछ लाइट्स की प्रॉब्लम है जैसे कुछ नाले हैं कुछ लोग गांव जैसे हमारा थोड़ा वार्ड है थोड़ा मेन रोड से थोड़ा दूर है तो लोगों को शाम के टाइम अपनी शॉप्स बंद करके मार्केट से वापस जाना होता है तो थोड़ा बीच में खाली स्पेस है लाइट्स की थोड़ी प्रॉब्लम है और वो सॉल्व हो सकती है डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि आपका वार्ड नंबर दस जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ है कहीं ना कहीं हमीरपुर जो है वो पार्किंग और पार्क के लिए भी जो हैं हैं काफी है समस्याएं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि क्राउडेड एरिया है तो क्या विज़न रखते हैं आप जो आपका क्षेत्र है वहाँ पार्किंग हो सकती है या पार्क जो है वो निर्माण बनाया जा सकता है जी हमारे पास काफ़ी वार्ड नंबर दो में दो जगह पे वार्ड नंबर दस में दो जगह पे पार्किंग उसके पार्क की जगह जो है अवेलेबल है एक हनुमान मंदिर है उसके पास जगह अवेलेबल है एक बाईपास के पास जो जगह है वो पार्क के लिए अवेलेबल है तो ये प्राथमिकता के आधार पर हम कोशिश करेंगे बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क की व्यवस्था जो बहुत ज़रूरी है कोरोना काल में बच्चे सारे घरों में हैं उनको खेलने के लिए नज़दीक कोई प्लेस नहीं है वो निकल भी नहीं पा रहे हैं बाहर तो पार्क की हम प्रायोरिटी बेस पर उसको बनाने बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ डॉक्टर साहब बात करें क्योंकि आपका वार्ड नंबर दस जो है यहाँ से जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी वो भी हैं क्या लगता है कि कितना क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं Uh, कितना रिस्पांस आ रहा है कि एक अध्यक्ष होने के बावजूद वहाँ पे जो विकास नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो कई जो चीज़ें हैं जो हो सकती थी एज अ अध्यक्ष के तौर पे वो करवा सकती थी वो नहीं करवा पाई क्या कहेंगे इस बारे में चलो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं लोग उस कोशिश से संतुष्ट नहीं है उनको लगता है कि मैं उनका जो सपना है वार्ड के प्रतिभा पूरा कर सकता हूँ तो मैं उनके उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं इस अध्यक्ष पद के लिए उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है जो प्रायोरिटी बेस पे उनकी जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिक तौर पर उनकी समाधान करूंगा डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं बात की जाए क्योंकि बड़ा कम देखने को मिलता है कि खासकर क्योंकि आपकी जो लाइन है वो हमेशा ट्वेंटी फोर आवर इंटू सेवन आप काम करते हैं बिजी रहते हैं दे। दे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस और अपना नामांकन भरने आए थे अब शायद आपको चीन भी आवंटित हो चुके हैं लेकिन क्या कारण रहा आपका कि जो इतना कुछ होने के आप फिर भी आप इलेक्शन में आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है पहले होता था कि फ्री लोगों को इसमें चुना जाता था अब लोगों की सोच बदल गई है अब इसीलिए चुना है कि हमारे पास टाइम नहीं है हम जल्दी काम पूरा करेंगे क्योंकि हमारे पास वेट करने का टाइम नहीं है तो आप मतलब ये है कि आप जो प्रायोरिटीज़ आपके पास आएंगी तो वो जल्दी से जल्दी पूरा करने की पूरी तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है डॉक्टर साहब आपके वार्ड की बात करें काफ़ी लंबा वार्ड है क्योंकि वार्ड नंबर दस जो है एक जो नगर परिषद के लंबे वार्डों में से एक वार्ड जो है उसको काउंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो वर्क है वो भी थोड़ा सा कम नज़र आता है आपके वार्ड में क्या कहेंगे इस बारे में वर्क कम इन स्पेसिफिक मैं स्पेसिफिक ये बोलना चाहता हूँ कि जो विकास की जो बात है क्योंकि आपके वार्ड में हमने जो दौरा किया था तो कई जगह जो है वो आपकी गलियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी ठीक जैसे आपने नालियों की आपने बात की मैं बात करूँगा सीवरेज की भी जो एक सबसे बड़ी जो आज के टाइम में नगर परिषद की समस्या वो भी आपके वार्ड में मेरे को समस्या देखने को मिल रही है क्या कह चलो आप तो खुद इस बात को नोट कर चुके हैं और हम, हमारी भी इसमें संज्ञान में बात आई है कि सीवरेज की समस्या है क्योंकि अभी लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि ये जो कनेक्शन है वो कंपलसरी है आपको लेना ही होगा जो हम वार्ड का जो आदर्श वार्ड और स्वच्छ वार्ड बनाने का हमारा जो मुहिम है उसको पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना जो पानी है ये सुनिश्चित करना होगा कि वो शिविर में ही जाए खुली नाली में ना जाए फिर जो बरसात का पानी है वो तो नेचुर खुली में जाएगा तो उसको कोशिश करेंगे कि वो जितनी नाली है वो अंडरग्राउंड हो जाएँ और पानी खड़ा ना हो और गंदगी ना फैले डॉक्टर साहब वार्ड नंबर दस में एक नाला भी है जो काफ़ी ज़्यादा बरसात में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है उसमें क्या कहेंगे उसके बाद जी वो नाले को हम एसेट की तरह यूज़ कर सकते हैं हमारे जो वार्ड है उसमें तीन चार गाँव हैं जो उसको नाला कनेक्ट करता है अगर उस नाले को चैनलाइज करके उस पर सड़क बना दी जाए तो जो वार्ड है उसकी डेवलपमेंट भी होगी और नाला है वो भी ढक जाएगा और गंदगी भी कम हो जाएगी डॉक्टर साहब क्या कितनी उम्मीद रखते हैं क्योंकि अब क्या उम्मीद रखते हैं आप कि आप जनता शिक्षित है क्या उम्मीद रखते हैं जनता से आप क्योंकि खड़े हुए हैं इस जनता का पूरा सहयोग है उनके आदेश से ही मैं इस इलेक्शन कैंपेन में आया हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे आगे भी ऐसा साथ मिलता रहे और मैं आगे उनकी ऐसी सेवा करता रहूं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से आज़ाद प्रशास डॉक्टर सुशील कुमार जी जिन्होंने उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर वो यहाँ से प्रधान पद के लिए भी चुने जाते हैं तो उनका सबसे पहला काम होगा इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा कहा है क्योंकि उनका जो पेशा है वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे तो उनका काम होगा कि जैसे ही उनके पास कोई समस्या आती है उसे फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सकता है वो उसको हल करवाएंगे एज टूडे के लिए वार्ड नंबर दस से अरविंदर की रिपोर्ट